ग्वालियर में अवैध खनन माफिया शहर के बीचों बीच पहाड़ को काटने में लगा है, जिस पर जिला प्रशासन और खनिज विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान अवैध खनन कर रहे माफिया मौके से भाग गए। वहीं प्रशासन ने एक जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। ग्वालियर की रक्कस पहाड़ी पर काफी समय से खनन माफिया अवैध उत्खनन कर रहे थे, जिसके बाद सूचना मिलने पर एसडीएम नरेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में खनिज विभाग और राजस्व की टीम ने रक्कस पहाड़ी पर छापा मारा, जहां 2 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से अवैध उत्खनन किया जा रहा था। जैसे ही टीम मौके पर पहुंची तो प्रशासनिक अधिकारियों को देखकर रफ्तार मच गई और अवैध खनन कर रहे माफिया भाग गए, जिसके बाद उनकी जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया है और खनन माफियाओं पर FIR दर्ज की गई है। जब हम लोग हमारी टीम पहुंची तो उन्होंने भागने की कोशिश की, फिर हमने एक जेसीबी मशीन और एक ट्रैक्टर को पकड़ लिया और बाकी लोग भाग गए हैं। उन दोनों को, एक मशीन को और ट्रैक्टर को जब्त कर दिया गया। नहीं, अभी तो हमने जब्ती पत्र बना के थाने की सुपुर्दगी में ये दोनों वाहन दे दिए हैं। बाकी जब जाँच में जैसा आएगा कि वो कौन व्यक्ति था जो भगा के लेके गए, उसके खिलाफ इनका कार्रवाई होगा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।